हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेस में। आप लोग को बायोलॉजी का लेक्चर टू वीडियो आ चुका है, क्वेश्चन बैंक का, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं। इसी साल यदि आपको एग्जाम देना है बिहार बोर्ड का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेक्चर वन में 1 से लेकर 30 तक बतला दिया गया है, लेक्चर टू में 31 से लेकर 60 तक बतलाया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चला क्वेश्चन नंबर 31, बहुभुजता की खोज किसने की थी? बहुभुजता की खोज चला ल्यूवेन हॉक किया था। कौन कौन वैज्ञानिक थे? ल्यूवेन हॉक, ल्यूवेन हॉक याद रखना, चला ल्यूवेन हॉक। क्वेश्चन नंबर 32, सेमल में परागण होता है, सेमल में परागण होता है किसमें? चमगादड़ द्वारा। किसके द्वारा चला? चमगादड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, युग्म नज बनता है। नर युग्मक, कौन कौन युग्मक? नर और मादा के संयोजन से क्या बनता है चला? युग्म नज बनता है। क्या बनता है चला? युग्म नज, याद रखना है युग्म नज। क्वेश्चन नंबर 34, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति होता है वीर्यसन से। कहाँ से चला? वीर्यसन से। नर हार्मोन याद रखना है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वीर्यसन से। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बहुत कम समय में आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। वीर्यसन कोष कहाँ स्थित रहता है? तो वीर्यसन कोष रहता है अंडाशय में चला। कहाँ रहता है वीर्यसन कोष? कहाँ स्थित रहता है? अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 36, शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है? तो 3 अवस्था में। कितना अवस्था में चला? 3 अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 37, संट्रोली कोशिका पाया जाता है वीर्यसन में। संट्रोली कोशिका कहाँ पाया जाता है चला? वीर्यसन में पाया जाता है, संट्रोली कोशिका वीर्यसन में। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा चला? 23 होगा। क्रोमोसोम की संख्या कितना? 23। क्वेश्चन नंबर 39, मैथुन क्रिया के द्वारा, पुरुष द्वारा मैथुन क्रिया यहाँ पर होगा चला, या मैथुन क्रिया भी बोला जाता है, मैथुन या मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा संकलित अधसा है ये अधसंकलित शुक्राणुओं की संख्या होती है। तो मैथुन की क्रिया जब होता है तो शुक्राणु जो निकलता है चला, वीर्य का जो निर्माण होता है वो कितना शुक्राणु निकलता है? तो 20 से 30 करोड़। कितना चला? 20 से 30 करोड़। शुक्राणुओं की संख्या क्या होता है? 20 से 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40, स्त्री में क्रोमोसोम का स्वरूप होता है, तो स्त्री में जो होता है चला XX क्रोमोसोम होता है, यही पुरुष बोल दिया जाता तो बाई हो जाता है। पुरुष में क्या होता है? X और बाई दोनों पाया जाता है, पुरुष में X और बाई दोनों क्रोमोसोम, स्त्री में XX क्रोमोसोम रहता है, जब भी रहता है जोड़ा में रहता है, तो टोटल 23 जोड़ा रहता है और टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होगा और जोड़ा में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए आ ही गया, पुरुष में क्रोमोसोम का स्वरूप, तो पुरुष में XY रहता है चला, पुरुष में क्या रहता है? XY। 42, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या याद रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया। कम समय में आपको संपूर्ण तैयारी किया जा रहा है, बायोलॉजी की संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तैयारी, बायोलॉजी के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको बहुत ही कम समय में करवाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है चला। चलिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वीर्यसन में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है चला? वीर्यसन में किया जाता है। शुक्राणु का निर्माण याद रखना है वीर्यसन में किया जाता होता है। 44, मानव में सर्गभता की अवधि होती है 9 महीना। कितना महीना? गर्भधारण की अवधि जो होता चला कितना महीना? 9 महीना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ और आगे भी आपके लिए
महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बुम्ब निम्न में किसे कहा जाता है? बच्चा दानी को कहा किसे कहा जाता चला? बुम्ब जो है निम्न में किसे कहा जाता है? बच्चा दानी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, स्त्रियों में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाता है? तो स्त्रियों में अंडाणु 50 वर्ष के बाद बंद हो जाता है, मतलब अंडाणु का निर्माण 50 वर्ष तक ही हो जाता है। तो स्त्री जो है गर्भ धारण मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता 50 वर्ष तक ही हो सकता है। 50 वर्ष के बाद स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकता, मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें अंडाणु ही नहीं बनेगा। अंडाणु नहीं बनेगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा, युग्मनज का निर्माण नहीं होगा। तो क्या रखना, 50 वर्ष गर्भधारण बोला जाए या अंडाणु बनना कितना वर्ष? 50 वर्ष तक, उसके बाद बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अपवाद में कुछ में होता है, लेकिन जनरली जो सामान्य केस में 50 वर्ष तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, शुक्राणुओं की गति के लिए उत्तरदायी है फ्लैजिला, कौन उत्तरदायी चला? फ्लैजिला। शुक्राणुओं की गति के लिए कौन उत्तरदायी है? फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 48, वीडियो को लाइक कर दो चला। प्रति आवर चक्र अंडोसर्ग के समय कितने अंडाणु मोचित होते हैं? एक अंडाणु। कितने अंडाणु चला? एक अंडाणु। क्वेश्चन नंबर 49, एक शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा चला? पिता। माता के द्वारा नहीं होगा, बच्चा जो होगा उसका लिंग, बच्चा जो होगा जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कौन कर सकता? केवल पिता के, केवल पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। गांव में औरत लोग को दोष दिया जाता है, गांव में औरत लोग को बोला जाता है कि इसके कारण बच्ची खाली पैदा हो रही है, लेकिन नहीं, औरत का कोई गलती नहीं है। किसका है? पर पिता का, पिता के द्वारा ही लिंग का निर्धारण, मतलब बच्चा लड़का हो या लड़की वो पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, माता के क्रोमोसोम पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रवण निम्न में किससे होता है? कॉपर्स कोलोसम। किसके द्वारा? कॉपर्स कोलोसम। क्वेश्चन नंबर 51 देखना है, बहुत कम समय में आप लोग को अच्छी तैयारी हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए कि एग्जाम के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी कम समय में अच्छा नंबर ला सके। मादा में पाई जाने वाली क्लाइटोरिस का समजात अंग है सीसन। माता में, मादा में, नर मादा होता है तो मादा में पाए जाने वाले क्लाइटोरिस समजात अंग क्या होता है? सीसन होता है चला। क्वेश्चन नंबर 52, तरुणा अवस्था में पहली बार रज श्राव कहलाता है, रजो दर्शन। तरुणा अवस्था में मतलब बालक जब बच्ची अवस्था में रहता है तो पहली बार जब रजो श्राव होता है, मासिक धर्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रजो दर्शन। क्या बोला जाता चला? रजो दर्शन। क्वेश्चन नंबर 53, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन नालिका में। कहाँ होता है चला? फिलोपियन नालिका में। स्तनधारियों, स्तनधारी जितना भी हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली, ये सब स्तनधारी है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फिलोपियन नालिका में। क्या रखना चला? फिलोपियन नालिका में। 54, बीरसन कोष में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है? बीरसन कोष में कितना? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 55, स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है बीरसन में। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होता है? बीरसन में चला। नर हार्मोन की उत्पत्ति बीरसन में। क्वेश्चन नंबर 56, प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन, जब प्रसव बच्चा पैदा होता है तो उसको प्रसव बोला जाता है, जिस समय माँ के पेट से बच्चा पैदा लेता है चला तो उसको बोलते हैं प्रसव, और उस समय माँ को बहुत दर्द होता है तो उसी को बोलते हैं प्रसव पीड़ा, तो उसमें कौन सा हार्मोन उसको प्रेरक होता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या रखना है? ऑक्सीटोसिन। क्या रखना चला? ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 57,
परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से तैयार, मादा युग्मक, युग्मक तैयार को क्या कहते हैं? अंड जनन। क्या कहते हैं? चला अंड जनन। मादा युग्मक क्या कहते हैं? अंड जनन। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 ईस्वी में पहली बार शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ? चला 1951 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर करना है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चे इसकी जानकारी ले सके। फ्री में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में चला, तो उसमें मात्र 35 करोड़ था, मात्र 35 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 60, 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या मात्र 2 अरब था। कितना था? चला लगभग 2 अरब। तो इस प्रकार से ये वीडियो में आप लोग 60 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेक्चर 3 लेकर आऊंगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से बतलाया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।